आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जातीय जनगणना के मसले पर यह ट्वीट है जिसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। इसके बाद आरजेडी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। जातीय गणना पर सुलगाने वाली सियासत, आरजेडी का ट्वीट, बीजेपी ने फिर थूक कर चाटा। आरजेडी ने भड़काने वाला एक ट्वीट किया है। ट्वीट किया है तफसील से बताने के पहले चंद रोज पहले की ये तस्वीरें देख लीजिए। जातीय गणना पर सीएम ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, इसमें सभी के सुर एक थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने सर्वसम्मति से जातीय गणना शुरू कराने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया है, जातीय जनगणना पर बीजेपी ने एक बार फिर थूक कर चाटा। संघ और संघी गुजराती समझ जाए कि ये बिहार है, बिहार। इनके नेता कहते रहे कि देश में दो ही जाति है, अमीरी और गरीबी का, तो अब कहाँ से आ गया जातीय जनगणना बिहार में? बिहार में क्यों समर्थन कर रहे हैं? इसी को कहते हैं थूक फेंक करके चाटना। और भारतीय जनता पार्टी इसमें महारत हासिल किए हुए। अब आप देखिए कि 2013 के बाद जिसके खिलाफ लगातार आरजेडी बोलती रही, नीतीश जी के खिलाफ लगातार बोलती रही, क्या क्या नहीं बोली होगी चुनाव में जा करके। 2015 के चुनाव किसके साथ लड़ी? क्या थूक उन्होंने चाटा कि भाजपा ने चाटा? भाजपा ने नहीं चाटा। इस जुबानी जंग में कांग्रेस भी कूद पड़ी है, वहीं जेडीयू ने खुद को दूर रखा है। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लंबी अवधि के बाद बिहार में जातीय गणना का रास्ता मार्ग प्रशस्त हुआ है, यह सुखद है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति राज्य की जनता आभार प्रकट कर रही है जातीय जनगणना कराए जाने के लिए, जो मार्ग प्रशस्त हुआ है इसके लिए। देश में दो दो भाजपा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सहमति बिहार में जातीय जनगणना पे है तो देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी पूरे देश में जातीय जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि विपक्षी एकता के दबाव में मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को स्वीकार किया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या आरजेडी ने इस ट्वीट के जरिए बीजेपी को भड़काने की कोशिश की है? क्या ये ट्वीट प्रांतवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है? नवजीत, जी मीडिया, पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री